गुड इवनिंग स्टूडेंट, तो केमती अच्छा पिले? तो निश्चय बहुत भल रे थिबो। तो देखो पिले, आज टॉपिक रे आम स्टार्ट करा जाउ छ कोन होमोजेनियस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट हला। ते टॉपिक तमरो फिजिक्स ऑनर्स रा फर्स्ट सेमेस्टर रा मैथमेटिकल 1 पेपर रे अछि, आ मैथ ऑनर्स पिलांकर जोडा से माने पढिबे कोन सेकंड सेमेस्टर रे, बुझ पालो स्टूडेंट। तो एटा बोथ दि जनस पई कॉमन जिंसडा अछि हला, आ एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक। एतिक तमे 100% श्योर हो जाउ तमरो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो, बुझ पालो पिले। तो जो होमोजेनियस इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट अच्छी, यार दुटा पार्ट अच्छी, गोटे कहते सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, गोटे कहते पर्टिकुलर इंटीग्रल, बुझा पिले। गोटे रहा कौन सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, आउ गोटे रहा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो मुझ तुमको कहबी फास्ट तुम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखी दियो, तापर तुम पर्टिकुलर इंटीग्रल करो, कहीं आम जो सल्यूशन आसो फाइनाली कौन दुटा को जॉइंट करके लिखा सीएफ प्लस पीआई करके लिखा है। तो आज वीडियो आम क्या विषय में कथ पर्टिकुलर इंटीग्रल विषय, बुझ पाल स्टूडेंट। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल रो मोस्ट ऑफ़ पांचटा केस रहा सहित पुणी किसी मिक्स केस भी रोह है। तो हमें वेरियस टाइप्स ऑफ़ क्वेश्चन देखा कमी सब क्वेश्चन करियर सॉल्व करियर है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करवा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या कहा जाए? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ़ द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी वाई, तो डी मीन्स कौन पिले तुम्हारा डेरिवेटिव एफ ऑफ डी इनटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट इज डिफाइंड एज। तो आम कौन लिख पारे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ डी को एपड़ नहीं आस वन बाय एफ ऑफ डी इनटू एक्स, वेयर एक्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इज कैपिटल एक्स फंक्शन ऑफ कौन होता है एक्स बोली दरकार है। तो यार डिफरेंट डिफरेंट केसेस अच्छे, तो मुझे वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट केसेस भितर एग्जांपल देवी है। तो फर्स्ट केस वन, तो केस वन आम कमी चिन्हा जी कौन अच्छे कैपिटल एक्सटा तुम कौन इ टू द पार एक्स अच्छे, कौन अच्छे इ टू द पार एक्स है। तो मुझे क्वेश्चन बताऊँ से हिसाब से तुमको बतेबी कमी क्वेश्चन आसो है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देती डी स्क्वायर प्लस 16। तो देख स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल दे तुम एग्जांपल वन कौन दे डी स्क्वायर प्लस 16 होल इनटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पार इज इक्वल टू तुम ई टू द पार माइनस 4x इज इक्वल टू ई टू द पार माइनस 4x है। तो यही टाइप क्वेश्चन को कमी सल्व कर जाए तुम लेफ्ट साइड कौन फाइंड कर जाए सीएफ फाइंड कर जाए, राइट साइड तुम कौन फाइंड कर जाए पीआई फाइंड कर जाए है। तो मुझे गोटे क्वेश्चन दुटा फाइंड करके देखा कि आम कौन आम ये वीडियो में पीआई विषय ही फोकस करवा है। तो देख स्टूडेंट कमी सल्व कर जाए देख कमी लिख फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फर्स्ट लिख है। तो एमती क्वेश्चन लिखाई था, तो फर्स्ट लिख सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो कौन कर राइट साइड को फर्स्ट जीरो करो, तो आम कौन फाइंड कर फर्स्ट स्टूडेंट आम सीएफ फाइंड करुच है, तापर जाए पीआई फाइंड कर। तो कौन कर नाउ द एई इक्वेशन कौन पिले नाउ द एई इक्वेशन, तो आम फर्स्ट कौन फाइंड कर सीएफ फाइंड कर कौन फाइंड कर सीएफ सीएफ कौन पिले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन कम्प्ली मेंटरी फंक्शन है कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बुझ पाला। तो ए इज इक्वल टू तो यही जगह डी स्क्वायर जगह कौन लिखो स्टूडेंट एम स्क्वायर प्लस 16 को 16 वाई को वन बोली कंसीडर करिवो है, और राइट हैंड साइड को जीरो बोली नबो है। तो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन नेला बेले आम राइट साइड को जीरो बोली कंसीडर करू, तो राइट साइड जीरो, तो लेफ्ट साइड कौन डेला डी स्क्वायर को कौन लिखी एम स्क्वायर आउ 16 को लिखली 16 है। तो एम स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो है, तो एम स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो, तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16, तो एम इज इक्वल टू माइनस 16 रूट अंडर मतलब कैसे स्टूडेंट प्लस माइनस कैसे रूट स्टूडेंट 4i कैसे है 4i है। तो लिख पारि तो एम इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 4i, तो ये कैसे पिले देख, तो देख ये हूँ तुम या आल्फा बोली कह कौन अच्छे जे एकला अच्छे आल्फा कहि आज आई सहित अच्छे बीटा बोली कह बुझ पाला स्टूडेंट। तो सीएफ वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो सारी, तुम सीएफ वीडियो देखी दियो कहीं मुझे तुम गोट फास्ट क्वेश्चन सीएफ आउ पीआई दुटा करुच्छी, कितना नेक्स्ट क्वेश्चन खाली पीआई ही सल्व कर बुझ पाला पिले, कहीं आम क्या टारगेट करुच्छ पीआई सल्व कर पर्टिकुलर इंटीग्रल सल्व कर। तो चलो तो आम फर्मुला कौन स्टूडेंट सीएफ फाइंड कर सी कौन रहा इ टू द पार आल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स ठीक अच्छे। तो ई टू दुपर आल्फा आल्फा क्या कह जी एकला अच्छे, तो जीरो हूँ तुम आल्फा जीरो इंटु एक्स सी वन कॉस बीटा बीटा हूँ कई सत जे लगी तो फोर, तो फोर एक्स प्लस सी टू साइन फोर एक्स बुझ पाल पिले। तो ई टू जीरो तो वन होगा या वैल्यू वन, तो सी वन कॉस फोर एक्स प्लस सी टू साइन फोर एक्स बुझ पाला पिला ये रहा तुम सीएफ है। तो चलो अभी पीआई फाइंड कर मेन जिन पीआई है। तो पीआई मतलब कौन पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन पिले पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो हेटा कमी फाइंड करा जाए। तो देख फॉर्मूला कौन कौन कही फॉर्मूला कौन दे वन बाय, तो फॉर्मूला देख स्टूडेंट
वन बाय एफ ऑफ डी इनटू एक्स तो मतलब वन बाय एफ ऑफ डी मतलब कौन स्टूडेंट एफ ऑफ डी मतलब क्वेश्चन कौन अच्छे डी स्क्वायर प्लस 16 है ला तो डी स्क्वायर प्लस 16 रहिला इनटू एक्स कैपिटल एक्स मतलब राइट साइड रे जी अच्छे है ला तो देखो वन बाय एफ ऑफ डी लिखला बेले ए वाई को न बनी वाई को हम वन बोली कंसीडर करू है ला तो ई टू द पावर माइनस 4x है ला तो ई टू द पावर माइनस 4x तो इडी कोन करियो स्टूडेंट पीआई फाइंड करला बेले मो इडी लिखी देछि केस 1 रे कोन हां केस 1 केमिति चिन्हिबो राइट साइड रे क्वेश्चन राइट साइड रे देखु छौ ई टू द पावर वाला फंक्शन थिबो कोन ई टू द पावर वाला फंक्शन तले केस 1 हला तो कोन पुट करिवो डी जगह रे ए पुट करिवो डी जगह रे ए तो देखो स्टूडेंट डी जगह रे ए कोन एक्स रो कोफिशिएंट देखु छौ स्टूडेंट एक्स रो कोफिशिएंट को हम ए बोली कहिथाउ काहे कि हमर एक्स जुल हम कोन केस 1 केतल कोजु ई टू द पावर ए एक्स तो ए कहा कोबा एक्स रो कोफिशिएंट तो एक्स रो कोफिशिएंट केते माइनस 4 हला तो कोन करियो पुट डी जगह रे कोन पुट करिवा माइनस 4 डी जगह रे कोन पुट करिवा माइनस 4 किंतु गोटे हिसाब मन रखो डी जगह रे माइनस 4 पुट करला बले देखियो जेंते तळे 0 न होबा कथा कोन तळे 0 होबा कथा नय तो इडी क्लियरली लिखा आइछि ना एफ ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0 हला तो ए केस रे कोन स्टूडेंट मु जे डी जगह रे पुट करू छी तो 1 बाय माइनस 4 रो स्क्वायर प्लस 16 e टू द पावर माइनस 4x तो 1 बाय माइनस 4 रो स्क्वायर हेला केते स्टूडेंट तमरा 16 प्लस 16 e टू द पावर माइनस 4x तो आंसर डायरेक्टली बाहर गेला 1 बाय 32 e टू द पावर माइनस 4x बुझ पाला स्टूडेंट जदि डी जगह रे ए पुट करला परे तळे 0 होउनी तो सेइटा होछ तमरा डायरेक्ट आंसर जदि 0 हे जाउछ त कोन करिया पडे मु तमको आगो स्टेप रे कहबे हेला तो इ तो होउनी तो इटा बाहर गेला तमरा कोन पिले इटा बाहरला पीआई बे लास्ट लिखिवो नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन कौन पिले कंप्लीट सॉल्यूशन कौन y इज इक्वल टू लिखिबो cf प्लस pi हला तो cf केते बाहरला तो एटा होस्तो हमर cf c1 cos 4x केते c1 cos 4x प्लस c2 sin 4x प्लस pi pi केते बाहरची 1 बाय 32 e टू द पावर माइनस 4x बुझ पाला पिले तो ये क्वेश्चन में मु cf आ pi दीटा करली किंतु नेक्स्ट पार्ट रो मु तुम खाली pi पार्टटा करबी काई cf रो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हे सरची तुम सेट cf केम फाइंड करा जाए तार डिफरेंट डिफरेंट केसेस होची सेट तुम आराम से देखि पारियो हला तो चलो फटाफट नोट डाउन कर दियो तो देखो पिले नेक्स्ट क्वेश्चन दे छी कोन स्टूडेंट d स्क्वायर माइनस 4 होल इनटू y e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 4x तो ये कोन दीटा क्वेश्चन अछि तो केम सॉल्व करियो देखियो तुम कौन फाइंड कर चु पी आई है ला? तो सी एफ मुझे कहीदे तुम प्रीवियस वीडियो देखी दियो पी आई जान जो कमी अच्छे है ला? चलो कौन लिख वन बाय एफ ऑफ डी वन बाय एफ ऑफ डी मतलब वन बाय डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू कौन अच्छे स्टूडेंट ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 4x ठीक अच्छे तो गोटे काम कर इंडिविजुअल कर दियो तो वन बाय डी स्क्वायर माइनस 4 ई टू द पावर 2x वन बाय डी स्क्वायर माइनस 4 e टू द पावर माइनस 4x है ला? तो तुम भाव एटा गोटे पीआई एटा गोटे पीआई तो लास्ट दुटा को ऐड कर देबा है ला? तो देखो पहले मुझे एठी डी रो वैल्यू डायरेक्टली 2 पुट कर दउछ कोन करछ डी रो वैल्यू मु डायरेक्टली पुट कर दउछ है ला तुम एटा इंडिविजुअल कर दउछ पहले एटा को नै जाउछ पीआई 1 आ एटा को नै जाउछ पीआई 2 चलो इंडिविजुअल करै करूछ है ला तो देखो तो पीआई 1 टा केते पीआई 1 टा 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 4 ई टू द पावर 2x हला तो जदि मु कोन आमर रूल हिसाब रे कोन डी जगह रे डायरेक्टली कोन पुट करा हबो डी जगह रे डायरेक्टली ए पुट करा हबो तो ए केते स्टूडेंट आमो केस रे क्वेश्चन 2 तो मुदे पुट कर दउ छी 1 बाय तो 2 रो स्क्वायर माइनस 4 तो ई टू द पावर 2x तो 2 रो स्क्वायर 4 माइनस 4 कोन हेतु इनफिनिटी तो कोन लिखियो केस इज फेलियर कोन केस इज फेलियर तो हेडी पुट करी हेबो नाही हला तो करिबा कोन तो सुनो तो 1 बाय तो कौन करो स्टूडेंट है ला? तो आम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर पारा ना तो तलर डेरिवेटिव कर दियो विथ रेस्पेक्ट टू डी तो डी स्क्वायर डेरिवेटिव कैसे पिले 2d आ 4 रो तो डेरिवेटिव 0 तो थर्ड डेरिवेटिव कल आ गोटे एक्स मल्टीप्लाई कर जिते थर डेरिवेटिव करो से थर एक्स मल्टीप्लाई हम है कितने आसला ई टू द पावर 2x है तो एक्स बाय 2 को मुझ साइड करदे तो 1 बाय डी ई टू द पावर 2x बुझ पाला पिले तो मन रखता पिले जदि डी रो मीनिंग हो तुम डेरिवेटिव तो 1 बाय रो डी रो मीनिंग होछ तमरो इंटीग्रेशन मन रखता पिले हला डी रो मतलब कोन डेरिवेटिव आ 1 बाय डी मतलब कोन पिले तमरो इंटीग्रेशन हला तो मन रखिथियो हला तो आकु हम केमथि सॉल्व करिबा तो x बाय 2 रहिला 1 बाय डी मतलब इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx हला
तो एक्स बाई टू इड्वा टू एक्स इंटीग्रेशन इड्वा टू एक्स बाई टू बुझल पे प्लस सी है तो प्लस सी लिखा दरकार नहीं ये तो ये कौन लिखा एक्स बाई फोर इ टू दि पावर टू एक्स है एक्स बाई फोर इ टू दि पावर टू एक्स कौटा बाहर पी आई वन है नेक्स्ट देख पी आई टू है तो पी आई टू कौन ये पार्टा को पी आई टू नहीं तो वन बाई डी स्क्वायर माइनस फोर इंटू इ टू दि पावर माइनस फोर एक्स है इ टू दि पावर माइनस फोर एक्स है तो ये डी जगह पुट कर ए के तुम माइनस फोर ए हूँ के पे माइनस फोर तो वन बाई डी जगह माइनस फोर स्क्वायर माइनस फोर इ टू दि पावर माइनस फोर एक्स तो वन बाई माइनस फोर स्क्वायर होगा सिक्सटीन माइनस फोर इ टू दि पावर माइनस फोर एक्स तो ये जीरो होनी तो डायरेक्ट आंसर आसो तो सिक्सटीन माइनस फोर तो ट्वेल्व इ टू दि पावर माइनस फोर एक्स है कार आंसर पी आई वन रेस पी आई टू रो लास्ट कौन कर दुटा को एड करदे कहीं मझे एड थी तो फाइनाल पी आई के पिले पी आई इज इक्वल टू पी आई वन प्लस पी आई टू तो पी आई वन केते एक्स बाय फोर इ टू दि पावर टू एक्स प्लस वन बाय ट्वेल्व इ टू दि पावर माइनस फोर एक्स बुझल पिले तो ये हूँ तुम फाइनाल आंसर है तो फटाफट नोट डाउन कर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो देख पार पे बढ़िया अच्छी खाली फॉर्मूला मन रख आराम से सॉल्व हो जाए तो यार तीन टा डिफरेंट डिफरेंट केस अच्छी तो ये टाइप हमें तीन टा डिफरेंट डिफरेंट केस को हमें सॉल्व करवा है नेक्स्ट क्वेश्चन देख कौन नेक्स्ट क्वेश्चन देखे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एट वाई इज इक्वल टू इ टू दि पावर टू एक्स है टाइप भी क्वेश्चन देता है तो देख स्टूडेंट ये देखिए तुम्हारा क्वेश्चन तो एमती लिखा जहाँ और आपको एमती भी लिखा से डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर माइनस सिक्स थर्ड डेरिवेटिव को डी प्लस एट होल इन टू वाई इज इक्वल टू इ टू दि पावर टू एक्स यहाँ लिखा भी सही है बुझल स्टूडेंट यार नोटेस यहाँ डेरिवेटिव नोटेशन एटा सर्टकट नोटेशन बुझल स्टूडेंट जमी भी लिखिपार है तो चलो पी आई फाइंड करवा तो पीआर फॉर्मूला कौन वन बाय क्वेश्चन डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी प्लस एट इ टू दि पावर टू एक्स है तो डी जगह टू पुट कर है कौन पुट कर डी जगह ए के तुम टू तो वन बाय के स्टूडेंट टू र स्क्वायर सिक्स इंटू टू प्लस एट इंटु इ टू दि पावर टू एक्स के स्टूडेंट यहाँ देख टू र स्क्वायर हूँ फोर यहाँ के आठ चार बार बार माइनस बार के जीरो तो कौन लिख केस इज फेल्योर कौन हो स्टूडेंट केस इज फेल्योर है जदि हमें डायरेक्ट डी जगह टू पुट कर दूसरे केस इज कौन हो फेल्योर हो तो डायरेक्टली हो पारानी डेरिवेटिव मेथड यूज कराया पड़ो तो जहाँ थी आउ थे लिख क्वेश्चन को वन बाय डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी प्लस एट इ टू दि पावर टू एक्स तो कौन कर स्टूडेंट तलर डेरिवेटिव कर तलर डेरिवेटिव के टू डी माइनस सिक्स तो थर्ड डेरिवेटिव कल एक्स कौन ऑटोमेटिकली आसीजो जितर डेरिवेटिव कर से एक्स मल्टीप्लाई हे उपर इ टू दि पावर टू एक्स तो देख ए एक्स रहा पुणी वन बाय के टू डी माइनस सिक्स इ टू दि पावर टू एक्स है ए डी जगह पुणी ए पुट कर डी जगह पुणी पुट पुट डी जगह के मतलब टू तो एक्स को एक्स रहा वन बाय टू इंटु टू माइनस सिक्स होल इंटु टू एक्स तो ये तब जीरो होनी जदि तले जीरो होनी तो हमें सहीटा तुम आंसर है तो एक्स वन बाय यहाँ है फोर माइनस सिक्स इ टू दि पावर टू एक्स तो कैसे हो लिखिद ये माइनस टू तो माइनस एक्स बाय टू इ टू दि पावर टू एक्स बुझ पे तो माइनसटा कौन हो तले हूँ तो ऊपर लिखिदे माइनस एक्स बाय टू इ टू दि पावर टू एक्स है तो ये है तुम कौन स्टूडेंट पी आई है तो फटाफट नोट डाउन कर तो देख पे केस वन बहुत सारा क्वेश्चन नहीं जाइए तो ये सब क्वेश्चन को सल्व करवा वन बाय वन है चलो फर्स्ट क्वेश्चन कौन दे पे फर्स्ट क्वेश्चन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एट वाई एट वाई इज इक्वल टू इ टू द पावर एक्स है हमें कौ फॉर्म लिख पार स्टूडेंट मुझे तुमको सॉल्यूशन स्टार्ट करवा तो क्वेश्चन को हम कौन लिख पार डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी प्लस एट होल इन टू वाई इज इक्वल टू इ टू द्वार एक्स है तो क्वेश्चन को सदा एमती डी फॉर्म रे लिखा है कौन फाइंड करवा पी आई फाइंड करवा तो पी आई फॉर्मूला कौन वन बाय एफ ऑफ डी इनटू एक्स है तो मतलब वन बाय एफ ऑफ डी मतलब ये लेफ्ट साइड रो क्वेश्चन टा डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी प्लस एट
इंटु एक्स एक्स मतलब ई टू द पावर एक्स है सेठी कौन पुट करवा डी जगह ए पुट करवा डी जगह ए ए के स्टूडेंट आम डी जगह कौन पुट करवा सैड लिखी दूसरी डी जगह ए ए हूँ केन है एक्स रोफिशियन के वन तो वन बै डी स्क्वयर मतलब वन रक्वयर प्लस सिक्स इंटु वन प्लस एट बुझिपाल पे डी जगह वन पुट कर डी जगह वन पुट कर तो ई टू द्वार एक्स तो वन बै है तो कैसे हूँ एट एटा आठ छः चौदह एक पंद्रह तो फिफ्टीन ई टू द्वार एक्स है तो फाइनाल आंसर के आसला वन बै फिफ्टीन ई टू द्वार एक्स बुझिपाल पे चलो सेकेंड क्वेश्चन को आस सेकेंड क्वेश्चन कौन देखिए डी क्यू प्लस थ्री डी स्क्वायर डी क्यू प्लस थ्री डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस वन प्लस थ्री डी प्लस वन होल इंटु वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स है ई टू द पावर माइनस एक्स है तो चलो पुट तो पी आई फाइंड करवा तो पी आई फॉर्मूला कौन वन बै कौन वन बै एफ अफ डी मतलब क्वेश्चन डी क्यू प्लस थ्री डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस वन एतिकी ई टू द पावर माइनस एक्स तो कौन पुट करवा टी जगह ए ए हूँ कैसे तुम माइनस वन डी जगह ए पुट कर तो ए हूँ तुम माइनस वन तो वन बै माइनस वन क्यू थ्री इंटु माइनस वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटु माइनस वन प्लस वन तो तले देख जीरो हो ना हो तो वन बै के माइनस वन क्यू हूँ माइनस वन एटा देख प्लस थ्री इंटु माइनस वन स्क्वायर होगा वन एटा माइनस वन इंटु थ्री तो माइनस थ्री प्लस वन तो प्लस वन माइनस वन कटे माइनस थ्री प्लस थ्री कटे तो तले जीरो तो लिख केस इज फेल्योर कौन लिख केस इज फेल्योर है केस इज फेल्योर तो यदि केस इज फेल्योर होने ये मेथड अप्लाई कर पार्बा ना तो कौन करवा चलो पुणी आउ थे क्वेश्चन को लिखा वन बै जहाँ अच्छे लिख डी क्यू प्लस थ्री डी स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस वन तो कौन कर पिले ई टू द पावर माइनस एक्स तो डेरिवेटिव कर तो तलर डेरिवेटिव के थ्री डी स्क्वायर प्लस के सिक्स डी प्लस थ्री बुझा स्टूडेंट डी क्यूरो डेरिवेटिव एक्स क्यूरो डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर तो थ्री डी स्क्वायर एटा कौन आस टू तौक आस तो सिक्स डी प्लस थ्री है तो एक्स गोटे मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली आसीज एक्स गोटे मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली आसीगला ई टू द पावर माइनस एक्स ठीक अच्छे चलो पुणी ए डी जगह ए कौन पुट कर ए पुट कर मतलब माइनस वन तो एक्स को एक्स रहा वन बै थ्री इंटु माइनस वन स्क्वायर प्लस सिक्स इंटु माइनस वन प्लस थ्री है टोटाल के टू द पावर माइनस एक्स है तो फटाफट कर चल पे तुम्हें पाटे लिभे दूचे तो ये आम क्या विषय पढ़ु केस वन विषय तो देख पार स्टूडेंट केस वन बहुत ही इजी अच्छे है तो के तो एक्स को एक्स रहा वन बै तुम ये ध्यान से देख थ्री माइनस वन स्क्वायर तो के तुम थ्री एटा के माइनस सिक्स प्लस थ्री एटा के प्लस थ्री है तो के ई टू द पावर माइनस सिक्स तो ये भी देख स्टूडेंट थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स माइनस सिक्स प्लस सिक्स माइनस सिक्स तो कौन हो जीरो ही जाऊँगी तेल ये मेथड हेनी तो लिख केस इज फेल्योर कौन लिख केस इज फेल्योर तो कौन लिख एक्स को एक्स रहा वन बै के थ्री डी स्क्वायर सिक्स डी प्लस थ्री कौन कर पिले ई टू द पावर माइनस सिक्स तो आउ थे डेरिवेटिव कर तो कौन हो आउ थे डेरिवेटिव कर तो कौन कर गोटे एक्स मल्टीप्लाई हम तो एक्स गोटे मल्टीप्लाई है आउ ते के सिक्स डी प्लस सिक्स के सिक्स डी प्लस सिक्स ठीक अच्छे ई टू द पावर माइनस सिक्स तो एक्स इंटु एक्स के पे ये तुम एक्स स्क्वायर वन बै सिक्स डी प्लस सिक्स है ई टू द पावर माइनस एक्स ठीक अच्छे चलो आउ थे पुणी पुट कर कौन कर डी जगह डी जगह जी कौन पुट कर माइनस वन डी जगह कौन पुट कर माइनस वन तो एक्स स्क्वायर वन बै सिक्स इंटु माइनस वन प्लस सिक्स तो ये कौन देख स्टूडेंट जीरो हो कौन हो जीरो तो कौन लिख केस इज फेल्योर कौन लिख केस इज फेल्योर है केस इज फेल्योर तो पुणी आउ थे डेरिवेटिव कराया पड़ो ये टर्मटा को तुम तो एक्स स्क्वायर रहा वन बै के सिक्स डी प्लस सिक्स तो कौन कर स्टूडेंट गोटे एक्स मल्टीप्लाई कर आउ ते डेरिवेटिव कर तो डेरिवेटिव कले के हम एक्स स्क्वायर था तो एक्स मल्टीप्लाई है तो डेरिवेटिव कले के सिक्स डी डेरिवेटिव केवल सिक्स है केवल के सिक्स
इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स के ई टू द पावर माइनस एक्स है तो फाइनाली के एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पे तुम एक्स क्यू आ रहा वन बै सिक्स इ टू द पावर माइनस एक्स तो फाइनाल आंसर के एक्स क्यू इंटू इ टू द पावर एक्स माइनस सिक्स हूँ तुम आंसर बुझिपाल पे तो यह तुम सेकेंड क्वेश्चन है तो फास्ट हाफ सेकेंड क्वेश्चन कम्प्लीट हो गला तो फटाफट नोट डाउन कर दि तो नेक्स्ट देख पे थर्ड क्वेश्चन नंबर थ्री बिट थ्री कौन दे डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स होल इंटू वाई इ टू द पावर माइनस एक्स है तो पी आई फाइंड करवा तो वन बाई एफ अफ डी इंटू इ टू द पावर माइनस टू एक्स तो एफ अफ डी मतलब क्वेश्चन तो क्वेश्चन के डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स है इ टू द पावर माइनस टू एक्स तो डी जगह कौन पुट करवा है डी जगह कौन पुट हम पे डी जगह ए ए मतलब डी जगह पुट हम माइनस टू है तो वन बै माइनस टूर स्क्वायर फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स तो देख जीरो होना होगा तो इ टू द माइनस टू एक्स जब जीरो होनी तो डायरेक्ट आंसर आसो जब जीरो होती डेरिवेटिव कौन कराया पड़ो है तो वन बै टू माइनस टूर स्क्वायर फोर एटा के माइनस टेन एटा प्लस सिक्स है तो क्लीअरली देखा स्टूडेंट छः चार दस टेन माइनस टेन तो जीरो तो कौन लिख केस इज फेल्योर तो डायरेक्टली एमती हो पार ना तो आमको कौन कराया पड़ो पुणी चल क्वेश्चन को क्वेश्चन कौन थी वन बै डी स्क्वायर फाइव डी प्लस सिक्स होल इंटू ई टू द पावर माइनस टू एक्स तो कौन कर डेरिवेटिव कर तलर डेरिवेटिव कर तो तलर डेरिवेटिव कले के आसो टू डी प्लस फाइव के आसो पे टू डी प्लस फाइव तो ऊपर ऑटोमेटिकली कौन गोटे एक्स मल्टीप्लाय होगा जितर डेरिवेटिव से थर एक्स मल्टीप्लाय हे चलो एक्स को बाहर करदे वन बै टू डी प्लस फाइव इ टू द पावर माइनस टू एक्स ठीक अच्छे एवं पुणी डी जगह कौन माइनस टू पुट कर तो एक्स को एक्स रहा वन बै टू इंटु माइनस टू प्लस फाइव इ टू द पावर माइनस टू एक्स तो एक्स को एक्स रहा वन बै एटा के माइनस फोर टू इंटु माइनस टू माइनस फोर प्लस फाइव इ टू द पावर माइनस टू एक्स तो कैसे हो तो तले फाइव माइनस फोर तो खाली वन रहा तो एक्स इंटु इ टू द पावर माइनस टू एक्स है तो तले वन तो वन रिच्छे मतलब ही ना इ टू द पावर माइनस टू एक्स बुझिपाल पे ये हूँ तुम्हारा फाइनाल आंसर है तो फटाफट नोट डाउन कर आ गोटे क्वेश्चन रहा केस वन रो देख पार पे कि ना क्वेश्चन रे तो एमती तुम तीन टाइम केस अच्छे तो केस वन केस टू केस थ्री है चलो लास्ट क्वेश्चन को आस लास्ट क्वेश्चन देखिए कौन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर टू एक्स एटा दे क्वेश्चन है तो चलो स्टार्ट कर सल्यूशन तो पी आई इज इक्वल टू पी आई फॉर्मूला कौन वन बै एफ अफ डी मतलब क्वेश्चन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन होल रे ई टू द पावर टू एक्स ठीक अच्छे तो डी जगह कौन पुट कर डी जगह ए ए मतलब टू डी जगह टू पुट कर तो वन बै टू र स्क्वायर माइनस टू इंटु टू प्लस वन है तो इ टू द पावर टू एक्स तो वन बै टू र स्क्वायर के फोर माइनस फोर प्लस वन तो जीरो तो होनी है फोर एट माइनस फोर प्लस वन ठीक अच्छे इ टू द पावर टू एक्स तो माइनस फोर प्लस फोर कटिगला तो वन बै वन इ टू द पावर टू एक्स मतलब इ टू द पावर टू एक्स हूँ तुम फाइनाल आंसर बुझिपाल पे तो ये तुम पर्टिकुलर इंटीग्रल केस वन है आई होप तुम वीडियो को आराम से एंजॉय कर बुझीपार केस वन केमती होती है यापर आम केस टू केस थ्री वन बै वन अपलोड करवा तो जो मैंने एपर्तंत वीडियो जान आम ग्रुप विषय जान फटाफट ग्रुप में जॉइन हो जाओ तुमको डिटेल्स सिलेबस तुम पाठ पढ़ा हो बुझिपाल स्टूडेंट सब जिन तुम यूट्यूब अपलोड करहबनी तुम ग्रुप में जॉइन कर जाओ तो से तुमको डिटेल्स पीडीएफ वीडियो सब किसी प्रोवाइड कर दिया है तो आम नंबर कौन स्टूडेंट 9040607886 यही नंबर में कंटाक्ट करके आम डिटेल्स ग्रुप में जॉइन हो जाओ ओनली 500 रुपीस तुम सब जिन कंप्लीट हो बुझिपाल स्टूडेंट तो चलो फटाफट नोट डाउन कर दियो।